शादी पीड़ित परिवार को मुख्य मंत्री के माध्यम से राहत प्रदान करने की घोषणा की थी। क्योंकि 50,000 की आबादी में करीब 5,000 मकान है, जिसमें 700 है। क्योंकि लॉकडाउन है तो बाहर निकलते तो रात को कर्फ्यू है, कर्फ्यू के समय में हम भी लोग परेशान है, बाकी काफी नुकसान का खतरा है, जिससे तोड़ते हिसाब से वहाँ पर भरपाई नहीं हो रही है। हम लोग प्रशासन से यही और बकाया अभी काफी हम सीमा के लिए समस्या ये आ रही सर, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब पूर्ववासी हैं और हम विगत 2 साल से जिंदल शाह लिमिटेड की ब्लास्टिंग से जो हमारे मकानों में दरारें और धार्मिक स्थलों में जो दरारें आ रही उससे पीड़ित हैं, जैसा कि ये सब जानते हैं। उस समस्या को लेकर जो हमारे सामने समस्या आई है कि इतना बड़ा आंदोलन और CM साहब का दौरा होने के बावजूद जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारा काम नहीं करना चाहते हैं, उसको लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि CM साहब के दौरे के बावजूद कलेक्टर साहब ने जो आदेश कलेक्टर साहब के माध्यम से जो आदेश सचिव साहब को मिले हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई UIT में नहीं हो रही है और सचिव साहब हमारा बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते। जब भी हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं और कोई कोई बात हमारे सामने रख देते हैं, कभी पैसे की मांग रख देते हैं, कभी क्या रख देते हैं, कभी क्या रख देते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं और हमारे पूर्व के विकास में एक रोड़ा बने हुए हैं। मैं प्रशासन के माध्यम से अभी वर्तमान में अभी 2-3-4 रोज पहले भी हमने 6 तारीख के लगभग कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था, उसमें भी हमने कलेक्टर साहब को वर्बली हमने बोला था कि सचिव साहब ये हमारा काम नहीं करना चाहते हैं, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, तो उन्होंने बात करने के लिए कहा था। इस काम को लेकर हम सचिव साहब से मिलने भी गए लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और हमने कहा कलेक्टर साहब का आदेश है, CM साहब का आदेश है, तो और उनके लिए बोला कि ऐसे कलेक्टर साहब CM साहब का आदेश मैं नहीं मानता हूँ, इनको मैं जेल में रखता हूँ। भू रूपांतरण का भी मामला हमने अभी भूमि रूपांतरण का जो अभी मामला लगाया था समिति ने, उसका ऑब्जेक्शन लगाया था, तो उस ऑब्जेक्शन में भी 24-25 तारीख को UIT ने सुनवाई कर ली और हमारी समिति के पास 28-29 तारीख को बुलावा भेजा। अब आप बताओ इससे ज़्यादा मिली भगत UIT की क्या हो सकती है। आगे का ये रुख रहेगा कि हम फिर एक बार निवेदन करेंगे और निवेदन करने के बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम संघर्ष समिति एवं पूर्व ग्रामवासी सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे और उस आयोजन में एक मीटिंग तय करके एक तारीख तय करके इस UIT का घेराव करेंगे और हमारा एक प्रतिनिधिमंडल CM साहब से भी बहुत जल्द मिलने के लिए जाएगा।